उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुबह की बात मानकर सेहत की देखभाल के निजाम में बेहतरी नहीं आएगी। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि टूटे हुए निजाम में ज्यादा रकम डालने का कोई फायदा नहीं, अगर हालात बेहतर होने की उम्मीद होती तो सुबह की बात मान लेते। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में ताखिर के सबब मुसाफरों को मुश्किलात का सामना। मुसाफरों को सामान के हुसूल के लिए घंटों इंतजार का सामना। मुसाफरों का निजी एयरलाइन ओरिके के खिलाफ एहतजाज। कैनेडियन महकमा दिफा को 16 लड़ाका तैयारों पर $7 बिलियन खर्च करने की मंजूरी मिल गई। रकम स्पेयर पार्ट्स, हथियारों और नए जेट तैयारों के हुसूल के लिए भी इस्तेमाल होगी। कैनेडियन हुकूमत 88 नए लड़ाके तैयारे खरीदने का इरादा रखती है। ज़ेलेंस्की का रूसी हमले के बाद पहला दौरा अमेरिका। बाइडेन से मुलाकात मुतवक्क। अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करो, रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूस और चीन की मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज। जज्बाए खैर सगाली, अफगान तालिबान ने 2 अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद दोनों अमरीकी कतर पहुंच गए हैं। नेट प्राइस ने कहा है कि रिहा होने वाले शहरियों को मुनासिब मदद फरहम कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि सूबों को जो वो चाहते हैं वो देने से सेहत की देखभाल के निजाम में बेहतरी नहीं आएगी। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि सूबों को जो वो चाहते हैं वो देने से सेहत की देखभाल के निजाम में बेहतरी नहीं आएगी। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि सिर्फ सेहत की देखभाल की फंडिंग से मुतालिक सूबों के मुतालबात को तस्लीम करना कनाडा के तनाव का शिकार सेहत के निजाम में बेहतरी की जमानत नहीं देगा। ऑटावा और सूबे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क का सेहत का निजाम बहरान का शिकार है, लेकिन जब सेहत की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए एक माहदे को आगे बढ़ाने के लिए सेहत के वज़रा ने गुज़िश्ता माह वैंकूवर में मुलाकात की तो फंडिंग पर इख्तलाफ राय ने किसी पेशरफ्त को रोक दिया। सूबे विफाकी हुकूमत से सेहत की देखभाल की फंडिंग में अपना हिस्सा बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन विफाकी हुकूमत का इसरार है कि वो उस वक्त तक कोई नकद रकम फराहम नहीं करेगी जब तक कि सूबे बाज़ शरायत को पूरा करने पर राजी ना हो, जिनमें खानदानी सेहत की खिदमत तक रसाई में इजाफा शामिल है। एक इंटरव्यू में ट्रूडो का कहना था कि अगर मैं लोगों को सूबों में अपनी जरूरत की तमाम रकम भेज दूं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोग अस्पताल में कम वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। एक टूटे हुए निजाम में ज्यादा रकम डालने का कोई फायदा नहीं है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि अगर वो बगैर किसी शर्त के फंडिंग की पेशकश करते हैं तो वो कनाडा के सेहत के निजाम में बेहतरी लाने के लिए अपना वाहिद फायदा छोड़ देंगे। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में ताखिर के सबब मुसाफरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीला जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में ताखिर के सबब मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लाइनें, गुमशुदा बैग्स और मनसूख शुदा परवाजें टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरने वाले बहुत से मुसाफिरों के लिए छुट्टियों का मौसम पहले ही खराब कर रही हैं, जो इस तरफ आने वाले मौसम सरमा के तूफान में फैक्टरिंग के बगैर है। टोरंटो पियर्सन ने ऐलान किया कि क्रिसमस का आगाज सफर के लिए सबसे मसरूफ तरीन वक्त होने की तवक्को है। इस हफ्ते से शुरू होकर 9 जनवरी के आसपास के दिनों में जब बहुत से बच्चे स्कूल लौटते हैं,
सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक हालिया वीडियो में सैकड़ों मायूस मुसाफिरों को देखा गया है जो पियर्सन पर सामान के दावे का इंतजार कर रहे हैं, जो सनविंग एयरलाइन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुसाफिरों का कहना था कि उन्हें अपने सामान के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ब्रिटिश एयरवेज ने मंगल को परवाजें मनसूख कर दी थी और सनविंग ने भी तस्दीक की कि कुछ परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। ग्रेटर टोरंटो एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना था कि ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फानी तूफान पूरे मुल्क में सफर को काफी मुतासिर कर रहा है। तैयारी के तौर पर पियर्सन हवाई अड्डे ने बहुत से डिजिटल टूल्स मुतारिफ कराए हैं, बशमुल एक ऑनलाइन सिक्योरिटी रिजर्वेशन सिस्टम YYZ एक्सप्रेस, जिसकी मदद से मुंतखब परवाजों के सार्फिन अपनी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जगह को पहले से ही महफूज कर सकते हैं। वाज़ेह है कि वैंकूवर बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मंगल को फंसे हुए मुसाफिरों का हुजूम था। बहुत से लोग फर्श पर बैठे या सो रहे थे क्योंकि साल के मसरूफ तरीन सफरी अदवार में से एक के दौरान भारी बर्फबारी ने खित्ते में नकलो हमल को शदीद मुतासिर किया था। कनाडा के महकमा दिफा को 16 लड़ाका तैयारों पर 7 बिलियन खर्च करने की मंजूरी मिल गई है। तफसीला जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के महकमा दिफा को 16 F-35 लड़ाका तैयारों पर 7 बिलियन डॉलर खर्च करने की मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के महकमा कौमी दिफा को हाल ही में 16 F-35 लड़ाका तैयारों और मुतालका सामान पर 7 बिलियन डॉलर खर्च करने की खामोश मंजूरी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक दो दिफाई ज़राए जिन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इन मामलों पर बातचीत की, जिनको अभी तक आम नहीं किया गया। कहा है कि ट्रेजर बोर्ड को भेजी गई फंडिंग की दरखास्त को इस माह के शुरू में ग्रीन लाइट मिल गई थी। कैनेडियन प्रेस ने ट्रेजरी बोर्ड को इस दरखास्त का खुलासा करने वाली एक दस्तावेजात भी देखी, जो वो महकमा है जो वफाकी प्रेस के तारों को कंट्रोल करता है और आजादाना तौर पर इसकी दुरुस्तगी की तस्दीक करता है। इस साल के शुरू में F-35 ने स्वीडन के साब ग्रिपिन को एक मुकाबले में शिकस्त देने के बाद अमरीकी हुकूमत और लॉकहीड मार्टिन के साथ कई महीनों की बातचीत के बाद फंडिंग की मंजूरी दी थी, जबकि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि वो 2026 और 2032 के दरमियान अपने पुराने CF-18 को तब्दील करने के लिए 88 नए लड़ाका तैयारे खरीदने का इरादा रखती है। जराए ने बताया कि कनाडा अगले चंद सालों में ब्लॉक्स में F-35 खरीदेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कनाडा को कैलेंडर साल के अख्ताम तक इब्तदाई ऑर्डर करने की जरूरत थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उनका मंसूबा बंद तरसील का शेड्यूल ट्रैक पर है। ट्रीजरी बोर्ड की मंजूरी में लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा 16 F-35 के इब्तदाई सेट के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स, हथियारों और नए जेट तैयारों के हुसूल के लिए शुरू होने वाले मुख्तलिफ अखराजात जैसे कि नई सहूलियात की तामीर का अहाता किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फरवरी में होने वाले रूसी हमले के बाद पहली बार अमरीका का दौरा करने जा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फरवरी में होने वाले रूसी हमले के बाद पहली बार अमरीका का दौरा करने जा रहे हैं, जबकि रूस ने अमरीका को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ अमरीकी इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त तसादुम का सबब बन सकते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे के तयशुदा शेड्यूल में सदर जो बाइडेन से मुलाकात और कैपिटल हिल में खिताब भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले दो जराए के अलावा एक और शख्स जो इस दौरे से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, यूक्रेनी सदर के दौरा अमेरिका की तस्दीक की है। यूक्रेनी सदर का दौरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका के कानून साज आइंदा चंद रोज में साल के अख्तिताम पर अखराजात के पैकेज के हवाले से वोट देंगे और इसमें यूक्रेन के लिए 35 अरब डॉलर की इमदाद भी शामिल है। ज़ेलेंस्की का यह दौरा उनके उस दौरे के एक रोज बाद सामने आया है जिसमें वो फ्रंट लाइन के करीब शहर बाखमूत में उस मुकाम का दौरा करते हुए नजर आए जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा खतरनाक मकाम करार दिया था। यह एक गैर ऐलानशुदा दौरा था जिसको इस अंदाज में पेश किया गया जिससे रूस की नाकामी जाहिर हुई क्योंकि रूसी फौज इस शहर पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब रूस ने अमरीका को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ अमरीकी इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त तसादुम का सबब बन सकते हैं। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीका से मुतालबा किया है कि वो सूरत हाल की संगीनी का इदराक करते हुए कशीदगी की पॉलिसी को तर्क कर दे। मारिया ज़ख़रोवा ने कहा कि अफगानिस्तान में नाकामी के बाद अमरीका एक नए तनाजे में मजीद उलझता जा रहा है। यह न सिर्फ कीफ में नियोनाजी हुकूमत को फंडिंग और मुसल्ला करने में मदद फराहम करने में बल्कि जमीन पर फौज को बढ़ाने से भी वाज़ेह है। उन्होंने मुतालबा किया कि वाशिंगटन को मॉस्को की आवाज़ को भी जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से ताहाल पुरुम्मीद होने की कोई वजह सामने नहीं आई। दूसरी जानिब चीनी उमूर दिफा ने कहा है कि उसकी फौज रूस के साथ 21-27 दिसंबर के दरमियान ज्वाइंट C-2022 मशकों का आज से अहतमाम करेगी। चीनी और रूसी फौज की मशकें जूशान के मशरक में वाक़ ताइजो तक के इलाके में की जाएगी जिनमें बहरी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ सलाहियतों को जांचने और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के तहफ्फुज़ को मजीद बेहतर बनाने में तआवुन के पहलुओं का भी जायजा लिया जाएगा। अफगान तालिबान ने जज्बा खैर सगाली के तहत जेर हिरासत दो अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया है जिसकी तस्दीक अमरीकी हुकूमत की जानिब से भी की गई है। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगान तालिबान ने अपनी कैद में मौजूद दो अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने जज्बा खैर सगाली के तहत जेर हिरासत दो अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया है, जिसकी तस्दीक अमरीकी हुकूमत की जानिब से भी की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने अपने शहरियों की रिहाई की तस्दीक कर दी है। रिहाई के बाद दोनों अमरीकी कतर पहुँच गए हैं, ताहम इन दोनों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने तालिबान की जानिब से अमरीकी शहरियों की रिहाई का खैर मकदम किया और साथ ही खवातीन पर आयद की जाने वाली तालीमी पाबंदियों की मजम्मत भी की। नेट प्राइस ने कहा कि रिहा होने वाले शहरियों को मुनासिब मदद फराहम कर रहे हैं ताकि वो जल्द वतन लौटकर अपने प्यारों से मिल सकें। अमरीकी अखबार के मुताबिक तालिबान की कैद से रिहाई पाने वाले दोनों अमरीकी मंगल के रोज कतर पहुंच गए, ताहम उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। इस हवाले से नेट प्राइस का कहना था कि कवायद जवाबित के तहत वो रिहाई पाने वाले अमरीकियों की मजीद तफसीलात जारी नहीं कर सकते, अलबत्ता उन्हें मुनासिब मदद फराहम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द अपने घर वालों से मिल जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना था कि वाशिंगटन मुसलसल तालिबान के साथ ये मामला उठाता रहा है कि अब भी उनकी कैद में मौजूद अमरीकी शहरियों को रिहा किया जाए, लेकिन तालिबान की जानिब से तफसीलात जारी नहीं की जाती कि उनके पास कितने अमरीकी शहरी कैद हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।